नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, मामा भगिना का खेल, यानी कह सकते हैं कि मामा अब भगिना का खेल बिगाड़कर ही मानेगा। मामा यानी कि साधु यादव और भगिना तेजस्वी यादव। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मामा ने ठान लिया है कि भगिना का राह पर रोड़ा बनकर रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। पिछले दिनों ही आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव परिणय सूत्र में बंध रहे थे और उस दौरान जब उनकी पत्नी का जिक्र आया और नाम का जिक्र आया था तो मामा ने काफी तांडव मचाया था। उन्होंने कई तरह की बातें भी कही थी। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट है आपको न्यूज, मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज की सीट, गोपालगंज पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, सुभाष सिंह के मृत्यु के बाद जो खाली हुई थी सीट, ये इस पर जो उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, रणभेड़ी बज चुकी है, बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब जदयू और आरजेडी यानी महागठबंधन की बारी है कि यहां से कौन उम्मीदवार होते हैं। लेकिन अभी मंथन ही जारी है आपको महागठबंधन में, लेकिन इसी बीच मामा ने ताल ठोक दिया है। मामा ने ऐलान कर दिया है कि मैं भी इस दंगल में हूं, मैं भी गोपालगंज का चुनाव लड़ने वाला हूं, लेकिन मैं नहीं, मेरी पत्नी इंदिरा देवी, यानी साधु यादव की पत्नी है इंदिरा देवी, वो इंदिरा देवी चुनाव मैदान में उतरेंगी। लेकिन किसकी टिकट पर, क्या आप जानते हैं? वो टिकट है बसपा का, वो टिकट है बहुजन समाज पार्टी का, वो टिकट है मायावती का। मायावती के टिकट पर साधु यादव अपनी पत्नी को उतारने जा रहे हैं गोपालगंज की सीट से, यानी कि समझिए कि कांटे की टक्कर होने वाली है। साधु यादव का कहना है कि गोपालगंज मेरा घर है और इंदिरा देवी का घर भी गोपालगंज ही है, तो ऐसे में अगर मैं यहां से न लड़ूं तो यहां के लोगों का अपमान होगा। साधु यादव पहले से ही कहते रहे हैं कि गोपालगंज हमारी पैतृक घर है और हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। तो कह सकते हैं कि अभी महागठबंधन में मंथन ही जारी है, लेकिन मामा ने ताल ठोक दिया है। बीजेपी ने भी वहां से उम्मीदवार उतार दिया है, सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है, और इधर मामा भी आ गए हैं रण क्षेत्र में साधु यादव। अब तो देखना होगा कि महागठबंधन की ओर से कौन प्रत्याशी होते हैं, लेकिन ये तो निश्चित है कि त्रिकोणीय वहां पर मुकाबला तो जरूर होगा। देखने वाली बात होगी कि वहां से आखिर ये त्रिकोणीय मुकाबले में कौन, किसको जीत मिलती है और किसको मात, लेकिन इंटरेस्टिंग लड़ाई देखने को मिलेगी मामा और भगिने के बीच में। अब मामा किसका वोट काटते हैं ये तो सब लोग जानते हैं, और भगिना इसके काट के लिए क्या कुछ करते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन मामा भगने की लड़ाई के बीच में देखना होगा किसे कि फिर कहीं ये बाजी कोई तीसरा ना मार जाए। संकेत और इशारा कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, निश्चित है, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि मामा ने ताल ठोका है तो भगने के लिए तो बड़ा ही मुश्किल घड़ी तो जरूर आ जाएगी। इस तरीके के तमाम खबर जानने के लिए आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।